क्या आपको पता है कि अगर रॉटविलर का फाइट हो जाए टाइबेटन मैस्टिफ से तो ये दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा? ये हमारा सेमीफाइनल का फर्स्ट मैच टाइबेटन मैस्टिफ वर्सेस रॉटवाइलर। तो इस वीडियो में 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट से विनर डिसाइड होगा और जो इस वीडियो का ओवरऑल विनर रहेगा वो जाएगा फाइनल में। सबसे बेस्ट गार्ड डॉग, अपनी ओनर की रक्षा करने के लिए तैनात खड़े रहने वाला डॉग रॉटविलर का फाइट हो जाए टाइबेटन मैस्टिफ जो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है, तो कौन जीतेगा? तो चलते हैं अपन अपने पॉइंट की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बाइट फोर्स, मतलब एक डॉग का बाइट फोर्स। रॉटवाइलर का बाइट फोर्स है 328 पाउंड और टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स है 556 पाउंड। मतलब पहले पॉइंट में टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। बात करें अब सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है अग्रेशन लेवल, मतलब एक डॉग के अंदर कितना अग्रेशन, कितना गुस्सा है। तो टाइबेटन मैस्टिफ का अग्रेशन लेवल हाई है। अब बात करते हैं रॉटवाइलर की, तो रॉटवाइलर का अग्रेशन लेवल मीडियम है क्योंकि वो एक फैमिली डॉग में भी आता है। तो याले पॉइंट में भी टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। बात करें अब थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है हमारा टेक्निक, मतलब अपने से सामने वाले डॉग को मार के गिराने की टेक्निक। तो टेक्निक देखा जाए तो रॉटविलर का टेक्निक लेवल है लो। अब बात करते हैं टाइबेटन मैस्टिफ की, तो टाइबेटन मैस्टिफ का टेक्निक लेवल है मीडियम अगर वो 2 साल के पार हुआ तो, और 2 साल से कम हुआ तो लो। तो याले पॉइंट में भी टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है हाइट। लड़ाई में हाइट का ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है। तो हाइट देखा जाए तो रॉटविलर का हाइट है 61 सेंटीमीटर से 69 सेंटीमीटर। बात करें टाइबेटन मैस्टिफ की, तो टाइबेटन मैस्टिफ का हाइट है 66 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर। तो याले पॉइंट में भी टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट है हमारा वेट। तो रॉटविलर का वेट है 50 किलो से 60 किलो तक। अब बात करते हैं टाइबेटन मैस्टिफ की वेट की, तो टाइबेटन मैस्टिफ का वेट है 45 किलो से 73 किलो तक। तो याले पॉइंट में भी टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। अब बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। आप मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते क्या? अगर आप मुझसे प्यार करते, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से डॉग के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं सोच रहा हूँ डोगो अर्जेंटिनो वर्सेस डोबरमैन, कमेंट सेक्शन में बताना ये आइडिया कैसा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब फ्री है। अब बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट ये, टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स ज़्यादा है, अग्रेशन का लेवल ज़्यादा है, टेक्निक लेवल ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और रॉटविलर का कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो का ओवरऑल विनर तो टाइबेटन मैस्टिफ है। इस वीडियो में मैं ये सब पॉइंट नहीं लाया हूँ कि पब्लिक फेवरेट, बेस्ट फॉर ओनर, ये सब पॉइंट नहीं लाया हूँ क्योंकि इस पॉइंट के चलते कल रात का जो मैच था टाइबेटन मैस्टिफ वर्सेस केन कोर्सो, उसमें केन कोर्सो बाहर हो गया था क्योंकि टाइबेटन मैस्टिफ को पब्लिक फेवरेट और बेस्ट फॉर ओनर मिला था। तो इसी कारण इस वीडियो में ये सब पॉइंट नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, ये वीडियो को लाइक करना, लाइक करना मत भूलना गाइस। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद से और बेल आइकन दबा देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना ये वीडियो को, और ये बिल्कुल फ्री है। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना, मिलते हैं कल की वीडियो में, और स्ट्रीट डॉग को खाना देना मत भूलना। बाय बाय।